पीटीवी हिंदुस्तान पर आई रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबर की ओर। थप्पड़ मामले में आमने सामने किरोड़ी पायलट सचिन का सवाल, एक अधिकारी दूसरे के आखिर क्या जांच करेगा। जी हां, देवली उनियारा केस समरावता में उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा की जांच को लेकर किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट आमने सामने आ गए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को संभागीय आयुक्त से जांच करवाने की बात कही। सचिन पायलट ने कहा, इस जांच से कुछ नहीं निकलने वाला, अगर मामले की निष्पक्ष जांच चाहिए तो घटनाक्रम की जुडिशियल जांच होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ वर्सेस राहुल गांधी, महाराष्ट्र की पिच पर कौन हुआ बोल्ड और किसने लगाए हैं आखिर छक्के। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी अपने अपने अंदाज में चुनाव जंग लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने 11 रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, जबकि राहुल गांधी ने 8 रैलियों में संविधान बचाओ का नारा दिया। चुनाव के दौरान जब्त हुए पैसों का क्या होता है, कहां जाती है करोड़ों की राशि। भारतीय चुनाव में बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया जाता है। ये पैसे अलग अलग रूपों में हो सकते हैं, नकद, सोने चांदी की ज्वेलरी, शराब, नकली नोट। चुनाव के दौरान पुलिस द्वारा जब्त किया गया पैसा, कैश या नकदी आयकर विभाग को सौंप दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति से कैश जब्त किया जाता है तो इसे वापस पाने के लिए दावा पेश करना होता है और इसके लिए उसे उचित दस्तावेज और सबूत पेश करने होते हैं। SDM को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा कितने अमीर, जानिए संपत्ति और कर्ज की डिटेल। टोंक जिले के समरावता में उपचुनाव के दौरान हुए थप्पड़ कांड मामले में सरकार ने बड़ा फैसला लिया। समरावता कांड की जांच डिविजनल कमिश्नर से कराई जाएगी। सरकार पीड़ितों को मुआवजा देगी। 28 गांव उनियारा उपखंड में शामिल किए जाएंगे। निर्दोषों को छोड़ने का फैसला भी किया गया है। अडानी ग्रुप बनाएगा सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, अंबानी को देगा टक्कर। अडानी ग्रुप मुंबई में 17,000 करोड़ रुपए की लागत से सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना रहा है, जो कि रिलायंस जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर को टक्कर देगा। यह कन्वेंशन सेंटर 1.5 मिलियन वर्ग फुट में बनेगा। अडानी समूह ने मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन चुनी और इस डिजाइन को MMRDA ने मंजूरी दे दी है। स्वरा भास्कर ने मुस्लिमों को दी चेतावनी, बोले नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त ना करेंगे। जी हां, बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने अपने पति फहद अहमद के लिए प्रचार करते हुए मुस्लिमों से कहा कि आप अपने नबी की शान में गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। स्वरा ने पहले भी हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़कर तुलना की थी। उन्होंने अफगानिस्तान में हुए तख्तापलट के दौरान भारत की तुलना अफगानिस्तान से की थी। देवघर में चुनावी अधिकारी अरेस्ट, उम्मीदवारी का साथ देने का आरोप। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के दौरान हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। देवघर के मधुपुर क्षेत्र के बूथ संख्या 111 के पीठासीन अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। वेबकास्टिंग रूम में निगरानी के दौरान पाया गया कि पीठासीन अधिकारी वोटिंग कंपार्टमेंट के पास थे, जो कि नियमों का उल्लंघन है। शादी के 29 साल बाद पत्नी सायरा से तलाक ले रहे हैं AR रहमान, जानिए वजह। देश के मशहूर म्यूजिशियन AR रहमान अपनी वाइफ सायरा से अलग होने जा रहे हैं। 29 साल बाद कपल ने यह फैसला लिया है। रहमान और सायरा के वकील ने स्टेटमेंट जारी करते हुए ये जानकारी साझा की। वकील ने अपने स्टेटमेंट में दोनों के इतने साल बाद अलग होने की वजह भी बताई है। स्टेटमेंट ने बताया कि दोनों के बीच बढ़ते तनाव ने दूरियां बढ़ा दी और इस शादी से उन्हें 3 बच्चे भी हैं। उपचुनाव के बीच सीतामऊ में कई पुलिसकर्मी सस्पेंड, अखिलेश यादव की शिकायत के बाद कार्रवाई। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे हैं उपचुनाव। इस बीच चुनाव आयोग ने सीतामऊ में कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। अखिलेश यादव ने शिकायत की थी कि ये पुलिस अधिकारी वोटरों की जांच के नाम पर वोट डालने से रोक रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं। अखिलेश ने चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग की, जिसके बाद DEO और SP ने ये कार्रवाई की। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए PTV हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना YouTube चैनल PTV हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।